नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज बिहार वासियों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है और आज बहुत ही ख़ास दिन है बिहार वासियों को, क्योंकि जो लोग उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार में सफ़र करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात आज मिली है। और आज ये जो इस पुल पे हम लोग जा रहे हैं ये है दिघा सोनपुर पुल, जिसका नाम जेपी ब्रिज कहते हैं, जिसे जो कि रोड रेल कम ब्रिज है। इसका जो इनॉग्रेशन है पिछले साल फरवरी के महीने में, जिसका जो रेलवे का सेगमेंट था उसको हम लोग चालू कर दिया था। और आज 2017 11 जून को कम्प्लीटली तरीके से इसको पूरी की पूरी निर्माण हो चुकी है। इसका काम जो है शुरू हुआ था सन 2003 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था, और 2006 से इसकी जो कम्प्लीटली थोड़ी तेज़ी से काम चालू हुई थी। इस पुल की लंबाई की बात की जाए तो 4.5 किलोमीटर है और इस पुल को बनने में 3800 करोड़ रुपए का खर्च लागत जो आया है। आज सुबह नीतीश कुमार ने इसे रिबन काट के इसका इनॉग्रेशन किया। और आज बिहार में लालू यादव का जन्मदिन है, इसके मौके पे उनके जो बेटे हैं जो कि रोड मिनिस्टर है, उन्होंने अपने पिता को गिफ्ट किया है इस पुल को। और एक और पुल के बारे में बात की जाए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा अभी आने वाले कुछ सालों तक, जो कि आरा से छपरा को जोड़ने का काम करेगा, जिसके वजह से आपको 150 किलोमीटर तक का दूरी में कटौती हो जाएगी, जो कि आरा से छपरा जाने के लिए पटना होते हुए जाना पड़ता था, बट अब डायरेक्टली वहीं से हम लोग निकल जाएंगे सीधा। जो कि जर्जर हालत है अभी इस गंगा सेतु की, उसके मद्देनज़र देखा जाए तो ये दो पुल जो है ये बिहार वासियों के लिए सौगात से कम नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जो वीडियोज़ है और जो फुटेज आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार नई वीडियो के साथ।